आज हो गई है 11 फरवरी की तारीख। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 881वां एपिसोड और दिन भर की 10 बड़ी आईपीएल ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर आज भी परोसने वाला हूं। स्पेशली शेड्यूल को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है, क्यों शेड्यूल अटक गया है, क्यों फरवरी शुरू होने के बावजूद भी शेड्यूल अभी तक नहीं आया, सब पर बात करेंगे, पूरी डिटेल बताऊंगा। एंड तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर आईपीएल और क्रिकेट फैन के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे दिख रहा होगा, फटाफट दबाइए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के हवाले से, तो दशुन शन का, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था रिसेंटली भारत में हुई इंडिया श्रीलंका सीरीज में, आईपीएल पर बड़ी बात कहे गए हैं। दरअसल फिर से आईपीएल पर दशुन शन का ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, आई एम श्योर देयर विल बी समथिंग फॉर मी इन इंडिया। दरअसल लंबा समय हो गया है भारत श्रीलंका सीरीज को हुए और लगातार दशुन शन का की पारियां हर किसी के जहन में है, और इसी को लेकर शनका ने कहा है कि उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि भारत में उनके लिए कुछ ना कुछ है। दरअसल लगातार उम्मीद जताई जा रही है कि आईपीएल में एज ए रिप्लेसमेंट दशुन शनका की एंट्री हो सकती है, और ये एंट्री कैसे होगी, कहां होगी, अभी तक तय नहीं है, लेकिन शनका को भरोसा है। क्या आपको भी भरोसा है, किस टीम में जाएंगे शनका, अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की, तो सनराइजर्स हैदराबाद की कैप्टेंसी की शायद लड़ाई थोड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। इस हफ्ते एसआरएच अपने नए कप्तान का ऐलान जरूर करेगी, लेकिन एडन मार्कराम के अलावा मयंक अग्रवाल भी इस समय फॉर्म में है, और वो भी उम्मीद और इच्छा जता चुके हैं कप्तानी करने की। रिपोर्टेडली एडन मार्कराम के अलावा मयंक अग्रवाल भी इंटरेस्टेड है एसआरएच के कप्तान बनने के लिए। अब एसआरएच किसे चुनेगी कप्तान, क्या मार्कराम पर ही जाएगा उनका हाथ, या फिर अग्रवाल फिर से पंजाब के बाद अब इनकी कमान संभालेंगे। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या आपके हिसाब से मयंक अग्रवाल को बनना चाहिए एसआरएच का कप्तान, अपनी राय कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की, तो ऋषभ पंत की कुछ तस्वीरें बाहर आ गई, और ये तस्वीरें सचमुच हर क्रिकेट फैंस के लिए बहुत सुखद थी, क्योंकि रिकवरी फेज में इस समय ऋषभ पंत चल रहे हैं। हालांकि तस्वीरें देखकर थोड़ा बुरा जरूर लग रहा है, क्योंकि बैसाखियों के सहारे इस समय ऋषभ पंत, जो कि भयंकर रूप से घायल हुए थे, चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि रिकवर कर गए हैं, क्योंकि जो एक्सीडेंट हुआ था और जिस दिन वो तस्वीर आई थी उनके एक्सीडेंट की, वहां से इस पल की, आज की ये जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, ये सचमुच बहुत सुखद है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिनभर की चौथी बड़ी खबर की, तो प्रसिद्ध कृष्णा की वापसी होने वाली है। आईपीएल फैंस के लिए अच्छी खबर है, भारत के लिए फिर से एक अलर्ट और खतरे की घंटी है। प्रसिद्ध कृष्णा, जिनसे बहुत उम्मीद जताई जा रही थी कि वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में भारत की तेज गेंदबाजी यूनिट का हिस्सा होंगे, अगस्त में ही चोटिल होकर बाहर हो गए थे। अगस्त के बाद से वो लगातार चोटिल है, उन्हें बैक इंजरी हुई थी, रिपोर्टेडली वो फिट हो सकते हैं आईपीएल में। कहा यह जा रहा है कि प्रसिद्ध कृष्णा आईपीएल तक पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे और वो पूरा आईपीएल खेलेंगे, और यहां से फिर वही सवाल उठ रहे हैं जो बुमराह के उठे थे कि पूरे साल खिलाड़ी चोटिल रहता है, लेकिन जब आईपीएल आता है तो वो फिट हो जाता है। कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हो, आईपीएल के दौरान प्लेयर्स फिट मिलता है, लेकिन उसके अलावा जब वर्ल्ड कप होता है आप चोटिल हो जाते हैं, ये सचमुच सवाल तो खड़े करता है। और अब तो खैर अच्छी बात यह है कि बीसीसीआई इस पर काम भी करने लगा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी खबर की, तो जसप्रीत बुमराह को लेकर एक और रिपोर्ट आई, और ये खबर सचमुच हर किसी को परेशान करती है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह अभी तो वापस आए हैं, आप उन्हें टेस्ट मैचेस नहीं खेलने देंगे तो वो वर्ल्ड कप के लिए कैसे अपनी फिटनेस शो करेंगे। लेकिन बीसीसीआई चाहता है कि उन्हें आराम दे दिया जाए। क्या वो पूरा आईपीएल खेलेंगे, क्या आईपीएल में भी उनको आराम दिया जाएगा, कितने मैचों का दिया जाएगा, इस पर भी कोई अभी सवाल जवाब नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, और इस खबर से शायद ये भी एक हिंट मिल गया है कि जसप्रीत बुमराह की वापसी जरूर हो गई है, वर्ल्ड कप से पहले उन्हें लाया जरूर गया है, लेकिन शायद वो 100% फिट नहीं है, इसीलिए रिपोर्टेडली खबर यह आई है कि तीसरे और चौथे टेस्ट मैच में उन्हें आराम दिया जाएगा। इस पर आप भी अपनी राय जरूर लिखिए, अगर बुमराह फिट नहीं है तो उन्हें क्यों खिलाया जा रहा है, क्यों फैंस के प्रेशर के चलते उनकी फिटनेस को दांव पर लगाया जा रहा है, और आखिर क्यों उन्हें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आराम दिया जा रहा है। आप उन्हें आईपीएल में भी बाहर बिठा सकते थे और आईपीएल में भी आराम दे सकते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की, तो ये रिपोर्ट भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के हवाले से ही निकल कर आ रही है। पहले टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है और अभी तक भारत ने अपनी मजबूत पकड़ ऑस्ट्रेलिया पर हासिल कर ली है। दरअसल इंडिया इस समय लीड भी कर रहा है, एक लंबी चौड़ी लीड भी ले ली है। दूसरी बड़ी चीज दोस्तों यहां से यह है कि भारत इस टेस्ट मैच
मैच को जीत सकता है, जिसके चांसेस गूगल के हिसाब से 70% बताए जा रहे हैं। मतलब यहां से हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया एक डिसाइसिव पोजीशन पर है इस टेस्ट मैच में, और इंडिया के पास है अपर एंड, भारत इस टेस्ट मैच को जीत सकता है। इस पर आप भी अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और ये टेस्ट मैच बहुत अहम है, IPL और IPL के बाद भी इसका काम आएगा टेस्ट मैच का रिजल्ट, कैसे वो आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की सातवीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये बड़ी रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ रही है IPL 2023 के शेड्यूल के हवाले से। दरअसल फरवरी शुरू हो गया, इस समय लगभग 40 दिन बचे हैं IPL की शुरुआत में, लेकिन अभी तक IPL के शेड्यूल और स्टार्टिंग डेट पर BCCI ने कोई अपडेट नहीं दिया है, लेकिन हम एक अपडेट देने वाले हैं। रिपोर्टेडली BCCI को लगभग सारे स्टेट गवर्नमेंट के हवाले से NOC मिल चुकी है, लेकिन कर्नाटका की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अभी NOC नहीं दिया है। मई में, लगभग 15 मई के बाद कर्नाटका में IPL के मैचेस नहीं हो पाएंगे। कर्नाटका मतलब बेंगलोर, तो बेंगलोर में शायद 15 तारीख के बाद हमें IPL के मैचेस होते हुए ना देखें, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कहते हैं ना विधानसभा चुनाव है कर्नाटका में, जिसके तहत मैचेस कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे और बेंगलोर के बहुत सारे होम मैचेस हमें प्रीपोन्ड होते हुए दिखेंगे। जाहिर है शेड्यूल पर यह बड़ी अपडेट थी, क्योंकि NOC की मांग थी, सबने दे दी, कर्नाटका ने मई में नहीं दी है। और यहीं से हम ये कह सकते हैं कि अब शेड्यूल बनने की शुरुआत होगी, और इसीलिए NOC जरूरी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे यार NOC की क्या जरूरत है, मैचेस कराओ, लेकिन यार स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत सारे काम होते हैं जिसके तहत IPL मैचेस नहीं हो सकते, और इसीलिए BCCI NOC का इंतजार करता है शेड्यूल लाने से पहले, और इसीलिए शेड्यूल स्टार्टिंग डेट अभी तक नहीं आई। हालांकि स्टार्टिंग डेट के बारे में यह कहा जा रहा है कि 27-28 तारीख से शुरुआत होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं यहां पर दिन भर की आठवीं बड़ी रिपोर्ट की। शेड्यूल अपडेट के लिए एक लाइक बनता है, क्योंकि आठवीं बड़ी खबर यहां से निकल कर आ रही है जोशुआ लिटिल के हवाले से। जोशुआ लिटिल ने अपना शेड्यूल कंफर्म कर लिया है, IPL का शेड्यूल आए या ना आए, जोशुआ लिटिल और आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने कंफर्म किया है कि वो आयरलैंड का श्रीलंका और बांग्लादेश दौरा मिस कर देंगे। IPL खेलने का पूरा सपोर्ट आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड जोशुआ लिटिल को कर रहा है। दूसरे क्रिकेट बोर्ड जहां अपने खिलाड़ियों को रोकते हैं, आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड अपने इस स्टार तेज गेंदबाज को सिर्फ IPL में खेलते हुए देखना चाहता है। इसीलिए आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने साफ किया है कि जोशुआ लिटिल आप जाओ PSL खेलो, स्पेशली IPL खेलो, भले ही आप हमारी तरफ से श्रीलंका और बांग्लादेश सीरीज से दूर रहो। और यहां से पता लगता है कि आयरलैंड क्रिकेट को कितनी जरूरत थी IPL की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की नौवीं बड़ी खबर की। तो फाइनल मैच जो WTC का होगा वो किन दो टीमों के बीच होगा वो अभी तक तय नहीं है। वैसे तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का ही नाम लिया जा रहा है, लेकिन भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से बहुत सारी चीजें बदल सकती है। भारत को यह ट्रॉफी बड़े अंतर से जीतनी पड़ेगी। बड़े अंतर से अगर भारत इस सीरीज को जीत जाता है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को जीत जाता है, पूरी टेस्ट सीरीज को जीत जाता है, तो भारत अपनी जगह WTC के फाइनल में स्टिक कर लेगा। भारत को फिर कोई बाहर नहीं कर सकता। श्रीलंका और न्यूजीलैंड भी नीचे दौड़ में है, नंबर 3 नंबर 4 पर है, और इनके बीच भी एक सीरीज होने वाली है, और इस सीरीज से भी बहुत सारे समीकरण बदल सकते हैं। तो इंडिया के लिए ये सीरीज बहुत जरूरी होगी, और इसीलिए मैंने कहा था कि भारत के लिए अच्छा है, वो अच्छा प्रदर्शन अभी तक तो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दसवीं बड़ी खबर की यहां से बात करते हैं। तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क ने कुछ अच्छी खबर भारतीय क्रिकेट फैंस को और हिंदुस्तान को नहीं दी है। 7,000 एम्प्लॉय स्टार और हॉटस्टार के स्पेशली ले ऑफ किए गए हैं, निकाले गए हैं, और कॉन्ट्रैक्ट इन 7,000 खिलाड़ियों ने लूज किया है, अपना जो नौकरी है वो गवा दी है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है मीडिया राइट्स। दरअसल हॉटस्टार के पास इस समय IPL के मीडिया राइट्स नहीं है। हॉटस्टार पर जो सबसे बड़ा इवेंट होता है वो IPL ही होता था, जिसके चलते ये 7,000 लोगों को नौकरी पर रखा गया था। अब भैया जियो के पास अधिकार है और इन लोगों को निकाला गया है, और ये बहुत अच्छी खबर, मेरे हिसाब से तो ये बहुत बुरी खबर है। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इनमें से कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, क्यों। YouTube ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, अपनी राय जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर क्रिकेट फैन के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को अभी तक तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट दबाइए, बेल आइकन दबाइए।